पूर्व मध्य रेलवे के गढ़रा इंटर कॉलेज में आपकी पढ़ाई की शुरुआत होगी। दरअसल इसमें पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए जहां 500 छात्रों का फॉर्म लिया जा चुका है और उनके लिए पठन पाठन की व्यवस्था की शुरुआत के लिए आदेश विभागीय आदेश का इंतजार है। आपको बता दें कि वर्ष 1961 में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके जरिए ये उद्देश्य था कि आसपास के इलाकों के बच्चों के साथ साथ पूर्व मध्य रेलवे में काम करने वाले इम्प्लॉय के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पिछले चार वर्षों से इस विद्यालय में पठन पाठन रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद स्थानीय राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा सियासत भी किया गया कि क्यों इसे बंद किया गया, तो अब इस सत्र से यहाँ पढ़ाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और विभागीय निर्देशांक के अनुरूप ही जो है कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से विद्यालय से जो जानकारी मांगी गई थी डिवीजन हेडक्वार्टर और मुख्यालय जोनल हेडक्वार्टर वो जा चुकी है फाइल और जैसे ही सक्षम अधिकारी का आदेश होगा हम एडमिशन की प्रक्रिया यानी फीस लेना शुरू कर देंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश के बाद जल्द ही यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए नीरज कुमार।